नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। नमस्कार, मैं हूं रजत और बाजार जोरदार स्ट्रेंथ में है, अच्छी तेजी पकड़ ली है, 8400 के बेहद नजदीक पहुंच गए। क्रूशियल हर्डल था 8330-8340 को बहुत कन्विंसिंगली आज के सत्र में। गैप अप खुलने के बाद वापस लौटे ही नहीं, वन वे ट्रेजेक्टरी पे इंडियन मार्केट्स, और जो सपोर्ट किया उसमें दो सेक्टर्स प्रोमिनेंटली बैंकिंग और साथ साथ मेटल स्टॉक जो थीम है मार्केट की आज, इन दोनों ही सेक्टर्स पे काफी स्ट्रांगली रिटर्न्स आज के सत्र में बने। लेकिन बाजार पे अब नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट्स क्या रह सकते हैं और कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, उस पर बात करेंगे। अंतिम बाजी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आप खरीद के चल सकते हैं जहां पर मुनाफा काफी स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, बाजार जो मैं बात कर रहा हूं 8370 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली बढ़त ऑलरेडी बन चुकी है और सेटअप के हिसाब से 29% ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप है निफ्टी बैंक का। कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग, कोई भी बैंकिंग स्टॉक ऐसा है ही नहीं आज जहां पर आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिल रही हो। सभी बैंकिंग स्टॉक्स एक्टिव हैं और सबसे ज्यादा चढ़ने वाला स्टॉक साबित हुआ है इंडसइंड बैंक, जिसके कल नतीजे आए थे। साउथ इंडियन बैंक के नतीजे ठीक हैं अनुमान के मुताबिक। मेटल माइनिंग स्टॉक्स पे निश्चित रूप से बहुत स्ट्रांगली खरीदारी देखने को मिल रही है, लीडरशिप में हिंडालको और टाटा स्टील है और पेरिफेरल्स में तो काफी स्ट्रांगली तेजी है। फाइनेंस, सीमेंट, पावर, इन सेक्टर्स पे आज के सत्र में दाव लगता हुआ नजर आया। अच्छी तेजी इन सभी सेक्टर्स पे बनती हुई नजर आ रही है आज के सत्र में और साथ साथ आईटी शेयर्स पे छड़ के टीसीएस के नतीजे फोकस में रहेंगे कल। बिल्कुल, एकमात्र सेक्टर आईटी है जो आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा मार्केट की तेजी में। टीसीएस, इन्फोसिस, इन दोनों शेयरों पर नजर रहेगी। कल नंबर्स आएंगे टीसीएस के और फ्राइडे को नंबर्स जारी होंगे इन्फोसिस के। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आप इंडसइंड बैंक को देखिए, नतीजों के बाद क्या एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट आज के सेशन में स्टॉक में आया है। 6% ऊपर अभी भी ये शेयर ट्रेड कर रहा है 1227 के लेवल पर। हिंडालको, इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, येस बैंक, टाटा स्टील, ये कुछ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हैं निफ्टी 51 से। अब आशु मदान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आशु, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। 8300 के ऊपर टिकने की बात हो रही थी, लेकिन आज 8350 भी पार हो गया और उसके ऊपर मार्केट टिक भी रहा है। अब नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं? जैसे जैसे आई थिंक ऊपर जा रहा है, हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि जनवरी, नवंबर और दिसंबर की मंदी के बाद से निकल के आया है, बहुत ही अंडर ओन मार्केट है, नेगेटिव माइंडसेट है एंड आई थिंक जो भी नेगेटिव न्यूज़ थी वो सब बाहर थी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अभी ऊपर के लेवल्स काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं, मीन्स 8500 भी क्रॉस कर सकता है। हैविंग सेड दैट, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नीचे का बेस ऊपर होता जा रहा है, तो जो एक लॉन्ग पोजीशंस है अभी भी लोग बहुत क्योंकि अभी रिसेंटली हमने जिस तरह के मंदी से दौड़ के निकल के आए हैं, घबराए हुए हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि खुल के पार्टिसिपेट करिए और इंडेक्स को हम लॉन्ग करके चलिए, क्योंकि मुझे लगता है बैंक निफ्टी जो एक वीक लिंक था, पीएसयू बैंक्स, वो भी आज एक अच्छी मूवमेंट दिखाई दी और एक ब्रेकआउट सिग्नल दिया है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अभी बैंक निफ्टी भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा, तो इंडेक्स के साथ बने रहना विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल एंड इस ये एक्सपायरी इन लेवल से काफी ऊपर तक जा सकती है। सो इंडेक्स के साथ बिल्कुल लॉन्ग रहना चाहिए और अगर आप इंडेक्स नहीं ले सकते तो निफ्टी की ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना चाहिए। ऑप्शंस लेके या ऊपर की ऑप्शन बेच दीजिए, एक बुल स्प्रेड बनाइए और उस बुल स्प्रेड के साथ बिल्कुल पेशेंटली बैठिए और मुझे लगता है कि ऊपर का लेवल जरूर मिलेगा इस एक्सपायरी में। आपकी स्क्रीन पे अभी आर्ली गेनर्स चल रहे थे और उसमें बैंकिंग स्टॉक्स बहुत स्ट्रांगली ग्रिप बना रहे हैं और पूरा दिन हो गया, कोई रिवर्सल का चांस बना ही नहीं बैंकिंग में। एक तरफा चाल यहाँ पर बैंकिंग आज के सत्र बनती हुई नजर आ, निफ्टी बैंक जैसे ने बताया 29% का ओपन इंटरेस्ट है आज के सत्र में इजाफा, दिन के उच्चतम स्तर पे है। और अब आईसीआईसीआई बैंक पिछले एक घंटे में देखिए 1% चढ़ा है, पंजाब नेशनल बैंक में 0.1% की तेजी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक में तेजी बनी है। ब्रजेश नमस्कार, स्वागत है आपका। निफ्टी बैंक पे क्या किया जाए, क्या टारगेट्स अचीव हो गए आज के सत्र में, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? गुड आफ्टरनून रजत जी और दीपाली जी। देखिए ओवरऑल अगर हम बैंकिंग इंडेक्स को देखें तो यही लैगार्ड था और लास्ट दो सत्र से अगर देखें तो इसमें अभी मोमेंटम आया है और वो मुझे लगता है कि अभी वो बरकरार रहेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह एक पार्शल जरूर कहूंगा कि एक पार्शल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि जो दायरा है 18700 से 18800 के आसपास का वो एक थोड़ा एक रेजिस्टेंस बतौर प्ले करेगा, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अप है। तो बने रहिए पार्शियल प्रॉफिट बुक करके। निचले स्तर में अगर हम देखें तो 18350 से 18400 के आसपास का अच्छा सपोर्ट एक है, तो मुझे लगता है कि वो होल्ड ऑन करेगा अगर प्रॉफिट बुकिंग भी अगर आती है। एंड अपसाइड में ये लगता है कि 19100 से 19300 का लेवल एक बार दोबारा रीटेस्ट होगा और एक्सट्रीम अगर हम देखते हैं तो 19700 तक के भी लेवल चार्ट के अनुसार देखने को मिलते हैं। तो बने रहिए, पार्शियल प्रॉफिट थोड़ा जरूर बुक कीजिए। लेकिन
अब दो स्टॉक्स देख लेते हैं, दोनों ही बैंकिंग स्पेस से, एक तो इंडसइंड बैंक और दूसरा साउथ इंडियन बैंक। दोनों के नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद एक स्ट्रांग स्पर्ट दोनों ही शेयर्स में देखा गया। इंडसइंड बैंक कल मार्केट बंद होने से पहले आया था, आज 6% ऊपर है। साउथ इंडियन बैंक के अगर नंबर्स देखें तो यहां भी नेट एनपीए हो या फिर ग्रॉस एनपीए हो, एक स्टेबिलिटी एसेट क्वालिटी में रिफ्लेक्ट हुई है। 2.52% बैंक के नेट एनपीए रहे हैं वर्सेस 2.77%, और अगर ग्रॉस एनपीए देखें तो वो 3.98% पर रहे हैं वर्सेस 3.99%। तो स्टेबल नंबर्स साउथ इंडियन बैंक की ओर से भी आए हैं और स्टॉक में बाइंग भी है, 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आशु, ये इंडसइंड बैंक की हम बात कर रहे थे, सुभाष आतर ब्रोकरेज हाउसेस ने पोस्ट अर्निंग स्टॉक को रीरेट किया है, लेकिन अब साउथ इंडियन बैंक भी अच्छे अर्निंग्स के लिस्ट में शामिल हो गया है, तो क्या ये माना जा सकता है कि जिस डीमोनेटाइजेशन ब्रूजेस की हम बात कर रहे थे शायद वो उतना वर्स ना दिखे बैंकिंग में इस बार, और बेटर नंबर्स इस लिस्ट में ऐड होते हुए दिखे? नहीं दीपाली, ऐसा नहीं कह सकते। डेफिनेटली एक चीज तो ये है कि पोस्ट डिमोनेटाइजेशन का डिमोनेटाइजेशन के बाद भी पोस्ट नंबर्स नहीं, प्री नंबर्स भी हमने ये बोला था कि प्राइवेट बैंक्स एक ऐसी स्पेस है जो पिछले डिप्स में लेनी चाहिए। इसमें इंडोसिंड बैंक, येस बैंक और इवन कोटक बैंक में भी था कॉल कि वो लेके रखना चाहिए, बट सेम चीज डज नॉट अप्लाई फॉर पीएसयू बैंक्स, और ये क्वार्टर इन्फ्रेंस नहीं निकालना चाहिए। आई थिंक इट इज टू अर्ली टू से दैट, जिसका रियल इंपैक्ट आएगा वो अगले दो क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। सो आई थिंक वन क्वार्टर इज नॉट गिविंग यू एनी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि वर्स्ट इज ओवर फॉर पीएसयू बैंक। So I think it is too early to judge, but definitely private banks long रखने चाहिए, और I think for medium term also Yes Bank और IndusInd Bank में हमारे को काफी ऊपर के levels देखने को मिल सकते हैं। चलिए, येस बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों में काफी ऊपर के लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं, अच्छी तेजी बन गई है। लेकिन एक और सेक्टर जो आज बस कर रहा है वो है स्टील और मेटल, मेटल माइनिंग इनफैक्ट आज पूरा ही सेक्टर बस कर रहा है। क्या कुछ कारण है बताने के लिए संदीप मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप, सबसे पहले बताएं कि ट्रिगर्स क्या थे जिसके दम पे इतनी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स, कई के स्टॉक्स 10-10% ऊपर। देखिए रजत, दो मेन ट्रिगर्स हैं, डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल भी है। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रिगर्स की बात करते हैं। सीएलएसए का एक सेल्स नोट जारी हुआ जिसमें उनका कहना था कि चीन की सरकार जो मीडियम फ्रिक्वेंसी फर्नेस है उसको बंद करने जा रही है, और जून 2017 तक सारे जो मीडियम फ्रिक्वेंसी फर्नेस हैं चाइना में वो बंद कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना की जो टोटल सील कैपेसिटी है उसका करीब 9% के आसपास का जो हिस्सा है वो जून 2017 तक बंद हो जाएगा। देखिए, ये खबर नई नहीं है कि मीडियम फ्रिक्वेंसी फर्नेस को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन हाँ, जिस क्वांटम में बंद किया जा रहा है और जिस समय सीमा की बात सरकार की ओर से रखी गई है वो दरअसल अनुमान से पहले है। तो उस वजह से आप देखिए इतनी बड़ी जो तेजी है वो दरअसल स्टील एज ए स्पेस में देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़े पैमाने पे चाइना, कोरिया, जापान से जो स्टील प्रोडक्ट्स है वो भारत में डंप किए जाते हैं। तो उस लिहाज से अगर चाइना की कैपेसिटी कम होगी, कम डंपिंग होगी, तो घरेलू एक तो जो कंपनियां हैं उनको डिमांड बढ़ेगी, साथ ही साथ प्राइसेस में इजाफा हो सकता है, उसको कहीं ना कहीं पचाने की कोशिश अगर आप देखें ज्यादातर शेयर स्टील स्पेस के करने कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक फ्रंट की बात करें तो ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि 19 कलर कोटेड स्टील प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार की ओर से लगाई जा सकती है। घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए, सेक्टर की मदद करने के लिए कदम सरकार उठा सकती है। आपको बता दें 4 फरवरी तक जो 19 स्टील उत्पाद हैं उनके ऊपर MIP लागू हुआ, और MIP हटने के बाद हो सकता है कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो लगा दी जाए। पिछले साल फरवरी में कुल 173 ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर MIP लगाई गई थी, जिसमें से 154 ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर MIP हटा के एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई थी। अब जो 19 प्रोडक्ट बचे हुए हैं अगर उनके ऊपर भी MIP हटती है तो हो सकता है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगे, और माना यह भी जा रहा है एक इंटरव्यू में स्टील सेक्रेटरी के हवाले से ऐसे बयान निकल के सामने आया कि जो 154 प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, हो सकता है इसकी जो मियाद है उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है सेक्टर की मदद करने के लिए। तो ये 2-3 ऐसी मेन खबरें हैं जिस वजह से आप देखिए पूरे स्टील सेक्टर में काफी ज्यादा बज़ आज के दिन में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, स्टील सेक्टर में बज़ है और दो वजह भी हैं इस तेजी के पीछे। मैनेजमेंट रिएक्शन भी हमने लेने की कोशिश की कुछ कंपनियों की। कल्याणी स्टील के MD RK गोयल से जब बातचीत थी तो उन्होंने कहा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी से घरेलू कंपनियों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है, उनकी व्यू सुन लेते हैं। डंपिंग लगने से इस प्रोडक्ट का देश के अंदर आयात कम हो जाएगा और डेफिनेटली लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होगा। तक ना MIP है ना एंटी डंपिंग ड्यूटी है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप होगा कि लॉन्ग प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए, जो कि लार्जली ऑटो इंडस्ट्री में, बियरिंग्स में, स्टेनलेस ट्यूब्स वगैरह में यूज होता है।
तो आपने सुना कल्याणी स्टील को भी, और स्टॉक अगर अभी देखें तो ये भी चल रहा है, कल भी अच्छी मजबूती लेकर बंद हुआ था और आज भी 5% ज्यादा की बढ़त देखी जा रही है। लेकिन अब बात करते हैं हम सीपीएससी ईटीएफ्स की जो कि 17 जनवरी को लॉन्च होंगे, लेकिन इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर संदीप सिक्का हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ईडी और सीईओ है रिलायंस निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड से। मिस्टर सिक्का, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। सीपीएससी ईटीएफ की अभी हम बातचीत कर भी रहे थे, रिलायंस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है, तो आप ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे कि एग्जैक्टली इस ETF को रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से कैसा रेस्पॉन्स आ सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मनीष जी ने बताया कि 5% तक का डिस्काउंट जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि उतनी अवेयरनेस अभी है रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में कि इस ETF को एक अच्छा रेस्पॉन्स उनकी ओर से मिल सके? पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी। अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल का ये ETF 2014 में लॉन्च हुआ था और पिछले 3 साल का जो रिटर्न देखेंगे तो आज ओवरऑल इसका रिटर्न जो आया है 15% आया है कंपेयर टू जो बेंचमार्क है 8%। और पिछले 1 साल के अंदर भी अगर देखिए तो निफ्टी का रिटर्न 5% रहा है और इसका ETF का रिटर्न जो आया है वो 17% आया है। आई थिंक इसमें अगर आप देखेंगे जो दो चीज़ें हैं, ये जो ETF की जो बास्केट है, ETF के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो इंडिया के महारत्नाज नवरत्नाज हैं, ब्लू चिप कंपनीज एंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड क्लियरली अगर आप वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे वो डिविडेंड डील देखिए, डिविडेंड डील इन कंपनीज का 4% है कंपेयर टू निफ्टी का 7% है। आज अगर आप PE रेशियो देखेंगे इनका 11% है कंपेयर टू निफ्टी का 22%। तो ऑन ऑल पैरामीटर्स हमें लगता है कि आज के दिन में एक अच्छा एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड हो गया है और ये 5% का जो डिस्काउंट गवर्नमेंट ने दिया है और उसके साथ ओवर एंड अबव अशोर्ड अलॉटमेंट टू रिटेल, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो पिछले अभी कई दिनों में हमने रोड शो करे हैं कई जगह, कई छोटे शहरों में, बड़े शहरों में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है। तो आज हमें लगता है कि अब गोइंग फॉरवर्ड ये ETF के अंदर भी रिस्पॉन्स अच्छा आएगा और स्पेशली ये ETF तो एक ऐसा ETF है, अगर आप इंडिया पे बेट कर रहे हैं ये तो वो सेगमेंट है, ये सेक्टर्स हैं और विच हैव टू डू वेल, और ये जो कंपनीज हैं इसकी बास्केट में वो ऐसी कंपनीज हैं जो उन सेगमेंट्स की टॉप कंपनीज हैं। सो आई थिंक हमें लगता है कि काफी रिस्पॉन्स, इनिशियल फीलिंग बहुत पॉजिटिव है और आगे चल के भी रिस्पॉन्स इसका पॉजिटिव रहेगा अगले का। मिस्टर सिक्का, आपने कहा एश्योर्ड अलॉटमेंट टू रिटेल, तो क्या कुछ स्पेसिफिक पोर्शन रिजर्व रखा जाएगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए CTF में? हाँ जी, इसमें अगर आप देखेंगे इसमें जो पिछली बार के मुकाबले क्या चेंज करा गया, पहले क्या होता था कि अगर इशू ओवर सब्सक्राइब होगा तो सबको प्रोपोर्शनेटली मिलेगा एंकर इन्वेस्टर को छोड़ के। इस पर ही क्या करा गया है कि जो रिटेल इन्वेस्टर आएगा सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, रिटेल इन्वेस्टर के बाद प्रेफरेंस दी जाएगी लॉन्ग टर्म पेंशन फंड्स एंड प्रोविडेंट फंड्स को, उसके बाद बाकी इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। सो अगर आप देखिए, अगर आप इसको देखते हैं कि 70% ऑफ द इशू टेक्निकली अदर देन द एंकर इन्वेस्टर इज रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। मिस्टर सिक्का, जो ETF की जो पहली ट्रांच थी वहाँ पर भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्ले है, इनफैक्ट जो PSU बास्केट ऑफ स्टॉक्स आपने चुने हुए हैं, लेकिन एलोकेशन वाइज ONGC, कोल इंडिया ऑयल, इनफैक्ट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसकी वेटेज बहुत स्ट्रांग है, तो माने एनर्जी सेक्टर पर कहीं ना कहीं फोकस ज़्यादा है, क्या यही ट्रांच फिर से कॉन्टिन्यू होगी इस दूसरे ETF में? नहीं, ये एग्जैक्टली सेम ट्रांच रहेगी। अगर आप देखिए इट्स अ मिक्स ऑफ एनर्जी है, मिनरल है, कंस्ट्रक्शन है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, बट यस, आपने आपकी बात ठीक है, थोड़ा एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस है, बट अगेन अगर आप एनर्जी को भी आप देखेंगे कि ये सारी वो ब्लू चिप कंपनीज हैं, सो इंडेक्स में कोई चेंज नहीं होगा, यही इंडेक्स जिसने पिछले 3 साल में जो रिटर्न दिया है अगर आप उसको देखेंगे, आई थिंक हमें लगता है कि आगे चल के भी प्रोस्पेक्ट्स इनके काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो इसको आगे भी अच्छा ही रहेगा जी। लेकिन मिस्टर सिक्का, इस ETF की जो लाने की टाइमिंग है इस पर आप कुछ कमेंट करेंगे, क्योंकि देखिए डीमोनेटाइजेशन के बाद का ये फेज है जहां पर मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हुए हैं, थोड़े से सेंटिमेंट्स भी कमजोर हुए हैं, और अब जो ट्रिगर्स लाइनअप है यहां से अगले 6 महीने 8 महीने में वो भी शायद उथल पुथल मार्केट्स में रखें, तो उस लिहाज से आपके कॉमेंट्स क्या हैं कि इस वॉलेटाइल मार्केट में इस ये टाइमिंग सूट करती है? नहीं, इस टाइमिंग के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, बट लेकिन मैं इतना ही रिटेल इन्वेस्टर्स को एडवाइस करूंगा, जब भी आपने लगाना होता है आप अगले 3 साल के हिसाब से लगाते हैं, आप ये नहीं देखते कि अगले क्वार्टर में क्या होगा। सो अगर आप जिसने 2014 में भी लगाया होगा तो उस टाइम भी कुछ व्यू होगा कि ये टाइम सही है या गलत है, वो कभी मालूम नहीं पड़ता उस टाइम पर, ये 3 साल के बाद ही पता लगता है।
सो हमें लगता है कि आई थिंक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, एंड जैसे मैंने बोला कि अगर आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी एबल टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड, विच वी स्ट्रांगली बिलीव बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, आई थिंक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आई थिंक जो 3 साल के लिए इन्वेस्टर लगाएगा, कोई भी इक्विटीज़ के अंदर लगाएगा, आई थिंक उसका पॉजिटिव है। और इस फंड के अंदर तो बिकॉज जो बास्केट है, बास्केट की भी वैल्यूएशन अच्छी हैं। और दूसरा एक और पॉइंट जो डिफरेंट है पिछली बार ETF से, पिछली बार जो 49 बेसिस पॉइंट की कॉस्ट थी, कंपेयर टू दैट अगर आप इस बार ही देखेंगे द कॉस्ट है 6.5 बेसिस पॉइंट, तो एक बहुत बड़ा वो भी जो आप अब देखते हैं अबाउट वो 40-42 बेसिस पॉइंट वो भी इन्वेस्टर के रिटर्न में ऐड हो जाते हैं। सो आज हमें इन्वेस्टर्स को हमारी यही सलाह रहेगी, चाहे वो ETF के बारे में हो या इक्विटी के बारे में हो, आई थिंक आप 1-2 क्वार्टर देख के पैसा नहीं लगाते, आप इसको 2-3 साल के नजरिए से लगाते हैं, और 2-3 साल के नजरिए से ये जो बास्केट है हमें लगता है कि अच्छा करेगी। मिस्टर सेका, मार्केट्स में बजट से पहले एकदम से खरीदारी बढ़ गई है, इस एंटिसिपेशन में कि कुछ मार्केट फ्रेंडली बजट हो सकता है कि इस बार आता हुआ नजर आया, आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं और किस सेक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार सरकार का? नहीं, अगर अभी मैं आई थिंक बजट के बारे में तो ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा आई थिंक, बट अगर हमें ये लगता है कि इस टाइम क्योंकि आज हम CPSE ETF के लॉन्च पे हैं, आई थिंक हमें लगता है कि ये सेक्टर और ये जो पूरा है दिस विल डू वेल, बिकॉज दिस इज़ एग्नोस्टिक ऑफ के बजट में क्या आता है या नहीं आता, बिकॉज ये दिस इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। चलिए, शुक्रिया मिस्टर सिक्का आपने बातचीत की जी बिजनेस से और अपने व्यूज़ आपने शेयर किए, और CPSE ETF को डेफिनेटली होप यही करेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से अच्छा रिस्पांस मिले। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि मौजूदा मार्केट में अपने रिस्क को अगर डाइवर्सिफाई करना है तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सर्टेन बास्केट ऑफ कंपनीज हैं PSU कैटेगरी से जो कि इसमें शामिल हैं। पहले ट्रांच को अच्छा रिस्पांस मिला था और होप्स इस बार को भी लेकर यही हैं। लेकिन अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है अंतिमबाजी में, अनुज दीक्षित हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर दीक्षित, गुड आफ्टरनून। अभी स्टॉक्स कौन से हैं जो आपको नए ट्रेड्स के लिहाज से अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली तब जब इंडेक्स 1% से ज़्यादा ऊपर है? जी, आज जिस तरीके से बाजार ने 80-80 के ऊपर गैप अप ओपनिंग दी थी और उसके बाद कोई ज़्यादा इनिशियल आवर्स में पहले घंटे में हमें ज़्यादा बिकवाली का भी दवा नहीं दिखा, तो ज़रूर से ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेंड एक तरीके से और कंटिन्यू हो सकता है आगे चल के, और तकरीबन 8400 इनफैक्ट अगर ब्रेकआउट लेवल्स की बात करें जिस तरीके के ब्रेकआउट हमने देखे हैं, तो ये आगे वाले दिनों में मेरे ख्याल से बजट से पहले बाजार एक बार ट्राई कर सकता है तकरीबन 8600-8580 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू होता नज़र आता है, हालांकि शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर अगर देखा जाए, आर्ली चार्ट्स पर या 2 घंटों के चार्ट्स पर, तो जरूर से बाजार थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है, थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है, बट ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रहेगा दीपाली। और ऐसे माहौल में अगर कुछ स्टॉक्स हैं जिनके अंदर ब्रेकआउट अभी देखने को मिले हैं या कल के सेशन में दिखा आज कंसोलिडेट हो रहे हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जरूर से एक अच्छा मूव अनफोल्ड हो सकता है, और वहीं पर PSU बैंक्स में मुझे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक अच्छा मूव आज हम देख रहे हैं, 1500 रुपए के ऊपर के लेवल निगोशिएट हो गए हैं, काफी अच्छा ट्रेंडिंग वॉल्यूम के साथ ये ट्रेंडिंग मूव दिख रहा है। मेरे ख्याल से आगे चल के अगर मीडियम टर्म की बात करें तो तकरीबन 1750 से लेकर 1800 के टारगेट मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ मीडियम टर्म के हिसाब से फिक्स होंगी, PSU बैंक्स हुए या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ये कुछ स्टॉक्स जो मैं देख सकता हूँ मीडियम टर्म के हिसाब से। हालांकि चार्ट्स पर बेसिकली देखा जाए तो काफी सारे सेक्टर्स में काफी सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आए हुए हैं, तो ये जरूर से कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रहेगा, भले ही 1-2 दिन का आपको साइडवेज या थोड़ा सा रिएक्शन डाउनवर्ड देखने को मिल जाए, लेकिन जब तक बाजार 80-80 के ऊपर टिका हुआ है तब तक अपसाइड के टारगेट तकरीबन 8580-8600 के लिए ओपन है। 8500-8600 तक की बेट लगाई जा सकती है ऐसे मार्केट पर, बायो डिप्स की मार्केट अब बनी हुई है 8376 के लेवल पर, दिन के चुतम सर के बेहद करीब। लेकिन आशु जी, अब लीडरशिप पोजीशंस कौन से सेक्टर संभालेंगे? आज तो बैंकिंग चढ़ गया, मेटल चढ़ गया, अच्छी तेजी पकड़ ली, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड कहां पर बेट लगाएं, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स आपके फोकस में? मुझे लगता है कि आई थिंक सेक्टोरल चर्निंग जरूर होती रहेगी, बट बैंक आज ही का दिन नहीं है, जिस तरह का आज का ब्रेकआउट दिया है बैंक्स में और भी ऊपर के अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो लीडरशिप मुझे लगता है अभी भी बैंक्स में रहेगी, सिलेक्टेड स्टॉक्स में रहेगी, बट आई थिंक अगर ओवरऑल प्ले करना है तो मुझे लगता है कि अभी भी स्टॉक से अच्छा इंडेक्स को बेटर रहेगा, क्योंकि स्टॉक में कुछ ना कुछ न्यूज फ्लो के चलते या किसी ने रिजल्ट के चलते उस रिजल्ट उस सेक्टर के किसी और कंपनी के खराब या अच्छे निर्णय के चलते कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हम उस मूवमेंट को एनकैश नहीं कर
पाएंगे। सो आई थिंक जब कन्विक्शन है कि मार्केट ऊपर है तो मुझे लगता है इंडेक्स इस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक की जगह इंडेक्स के साथ बने रहना ज्यादा बेटर है। सो आई थिंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए। जी, कुछ स्टॉक्स जहां पर कंसिस्टेंट बाइंग हमने देखी है उसमें एक है एस्कॉर्ट्स। आज भी ये स्टॉक 6.5% ऊपर है, कल भी ये 4% चला था और अब करीब 360 के लेवल्स पर पहुंच चुका है। अनुज, अभी लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर लें जिन्होंने बनाई हुई है एस्कॉर्ट्स में, नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं आपके लिहाज से? जी दीपाली, जरूर से। आज 350 के ऊपर के जो ब्रेकआउट हैं वो अगर आने वाले एक दो दिनों के अंदर अगर होल्ड करता है एस्कॉर्ट्स तो और भी तेजी देखने को मिल सकती है। अपसाइड के टारगेट तकरीबन 375-380 के समझ में आते हैं, लेकिन चार्टिकली जिस तरीके से देखा जाए मेरे ख्याल से यहाँ से तो ये मूव एक्सटेंड होता हुआ दिखता है, लेकिन मेन अप ट्रेंडिंग मूव जो चालू होगा वो 380 के ब्रेकआउट के बाद चालू होगा, जिसमें अपने ऑल टाइम हाई जो 400 रुपये के ऊपर बने हुए थे 450 के ऊपर, उनको भी ये ब्रेक करेगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ अभी भी है, अभी भी एस्कॉर्ट्स को होल्ड किया जा सकता है। अगर किसी शॉर्ट टर्म ट्रेंड के नज़रिए से पोजीशंस ली गई हैं तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल ज़रूर से दिखता है। ऊपर के लेवल में हमने देखा है तकरीबन 365 के आसपास से एक सेल ऑफ देखने को मिली है, थोड़ी सी वीकनेस दिख सकती है। 340-338 के लेवल मेरे ख्याल से ज़रूर से होल्ड करेंगे, तो किसी की मीडियम टर्म बाइंग है उनको अभी भी होल्ड करने की सलाह है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया गया था 2 या 3 दिन पहले तो आप एक काफ़ी अच्छा मूव देख चुके हैं तकरीबन 320 से लेकर 370 का, मेरे ख्याल से उन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को जरूर से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, लेकिन दो स्टॉक्स देखते हैं फटाफट से। एक तो है जेन टेक्नोलॉजीज, इस स्टॉक पे अब 79.50 के लेवल दिखाई दे रहे हैं, एक अच्छी तेजी। और एक आज का जैकपॉट शेयर दिया गया था विष्णु केमिकल्स, फिलहाल अब 292 के लेवल्स पे पहुंच गए, 282 के आसपास की लेवल्स थे उस समय 12 बजे के आसपास, अब 292 यानी दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहा है विष्णु केमिकल्स और जेन टेक। ब्रजेश, एक बार टेक्निकल्स देख के बताएं कैसे लग रहे दोनों स्टॉक्स? देखिए, अगर हम जेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो समवेयर अराउंड 79 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो समवेयर अराउंड 75 के आसपास है। ये जो 78 से 80 का जो दायरा है ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। ओवरऑल मोमेंटम तो अपवर्ड का ही है, बट स्टिल अगर किसी ने पोजिशन बना रखी है तो मैं यही सलाह दूंगा कि 75 के ऊपर अगर जब तक ये ट्रेड कर रहा था तब तक डरने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में मोमेंटम के हिसाब से द स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 92-95 ऑफ जोन, तो एक बार वो दायरे को टच करने की कोशिश करेगा शॉर्ट टर्म के लिए आज से। रही बात अगर हम विष्णु केमिकल्स की बात करते हैं, थोड़ा लो वॉल्यूम वाला काउंटर है तो इसमें यही कहता था स्विंग वुड बी ऑन अपसाइड और डाउनसाइड, एक बड़ी स्विंग की संभावना हमेशा बनी रहती है। 270-270 के आसपास का नीचे का सपोर्ट है। अपवर्ड अगर जर्नी इफ इट एबल टू क्रॉस 300 देन द नेक्स्ट लेवल टू वॉच वुड बी 325। इस बीच स्टील स्टॉक्स की थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे और अभी एक खबर और आई है स्टील मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स की ओर से, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने रेलवेज को अर्ज किया है कि आरएनओर पर जो फ्रेट रेट लगता है उसको कट करके 13-15% किया जाए। लेकिन ये पॉकेट सुबह से ही चल रही है, कई सारे रीजंस रहे हैं जिन्होंने इस बाइंग को स्पर किया है। लेकिन एक बार देख लेते हैं पेपर शेयर्स को, यहाँ भी अच्छी खासी वाइब्रेंसी है आज। पेपर स्टॉक्स का अगर हाल देखें तो रुचिरा पेपर, जेके पेपर, ये कुछ स्टॉक्स रहे हैं जो कि अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। देखिए, एका एक्सपर्ट इनमें है, स्टार पेपर अब दिन के ऊपरी स्तरों पर है, बिल्ट में 3% ज्यादा की मजबूती, वेस्ट कोस्ट पेपर, शिशो सया पेपर अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अनुज, कोई अच्छा लग रहा है आपको स्टॉक पेपर कैटेगरी से, स्पेशली रुचिरा पेपर या फिर जेके पेपर? जी दीपाली, ज़रूर से। रुचिरा पेपर एक डिस्क्लोजर भी है कि मेरी पर्सनल पोजीशन भी हैं और क्लाइंट्स को भी सजेस्ट हमने कर रखा है लोअर लेवल से। मेरे ख्याल से इसके अंदर काफ़ी अच्छा मूव अनफोल्ड हो सकता है। आज वॉल्यूम्स के साथ हम देख रहे हैं 112-113 के ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। सस्टेन करता है तो अपसाइड और भी एक्सटेंड हो सकती है, जो अपने प्रीवियस हाइज तकरीबन 135 तक के लिए एक्सटेंड हो सकती है। और कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर देखा जाए तो अभी भी कोई ऐसी वीकनेस नहीं दिखाई देती, तो मेरा सजेशन रहेगा रुचिरा पेपर्स में मीडियम टर्म की पोजीशन लेने के लिए। किसी भी वीकनेस में या इन लेवल्स के आसपास लिया जा सकता है। 110-108 की रेंज एक अच्छा सपोर्ट अभी उभर के आ रहा है, तो उस वीकनेस में लिया जा सकता है। 108 से रुपए से नीचे के स्टॉप लॉसेज रखें। अगर अपसाइड के लेवल्स की बात करें तो पहला टारगेट तकरीबन इनिशियल 133-135 की रेंज होगी और उनके ब्रेकआउट के बाद एक नई टेरिटरी चालू होगी, अनचार्टेड टेरिटरी, और उसमें फिर और भी ये मूव आगे चल के एक्सटेंड हो सकता है। तो मैं रिचरा पेपर में जरूर से इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ट्रेडिंग के लिए सलाह दूंगा।
एक स्टॉक अभी चल रहा है वो है हिम्मत सिंह का सीड। अगर आप ये स्टॉक देखें तो एक तरफा चाल दिखाई है इसने आज के सत्र में और बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम में अब 321 के लेवल पे दिन के उच्चतम स्तर पे और बहुत स्ट्रांग स्पाइक वो भी वॉल्यूम्स इस समय देखिए तो काफी स्ट्रांग गैदर हो रहे हैं 321-322 का स्तर 8% ऊपर। फाइनेंशियल स्टॉक्स भी आज बहुत तेजी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट भारत फाइनेंशियल, दीवान हाउसिंग, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये सभी स्टॉक्स पे आज मूव काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। ये अनुज आपकी राय, ये जो फाइनेंस स्टॉक्स हैं स्पेशली जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इसमें रिटर्न्स पॉजिटिव है आज, लेकिन क्या आप ट्रस्ट करें तेजी पकड़ेंगे क्या बजट से पहले, क्या ये थीम रह सकती है? हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा करने देने पे तो सरकार का फोकस है, लेकिन स्पेसिफिकली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अंडर परफॉर्म कर रही हैं पिछले कुछ समय से, आपकी राय क्या, आप खरीदारी बनेगी? जी, मेरे ख्याल से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में अभी भी खरीदारी का माहौल रहेगा। इनफैक्ट जिस तरीके से देखा जा रहा है अगर बजट में भी कुछ सॉफ्ट्स मिल सकते हैं हाउसिंग फाइनेंस कोई सेक्टर को लेके या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को लेके अगर गवर्नमेंट कुछ लेके आती है तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। और कहीं ना कहीं चार्टिकली जिस तरीके का मूव उभर के आ रहा है उससे लगता है कि कुछ इस तरीके की जो कयास लगाई जा रही है वो हो भी सकती है और यही हमें चार्ट पर भी देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से अभी आगे चल के इनके अंदर और भी तेजी देख सकती है, DHFL हुआ या फिर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हुआ, मेरे ख्याल से इनके अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जी, एक बार आप बात कर लेते हैं आईटी शेयर्स की, स्पेशली TCS जिसके नतीजे कल आने हैं और स्टॉक अगर देखें तो बहुत ज्यादा बढ़त तो नहीं दिखा रहा है, मामूली गेंस के साथ अभी बिल्कुल फ्लैट रेट कर रहा है और जो नंबर्स आएंगे वो भी शायद फ्लैटेस्ट टोन पर ही रहे, लेकिन क्या प्रोजेक्शंस हैं ये जान लेते हैं अंचल से। बताइए अंचल। शुक्रिया देवाली, आपने सही कहा, नंबर्स में भी फ्लैटिस्ट नोट पे ही रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। कंपनी की अगर आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट कंपनी के रेवेन्यू करीब 0.6% बढ़ता हुआ दिखेगा, 29,460 करोड़ के आसपास कंपनी रेवेन्यू पोस्ट कर सकती है। डॉलर रेवेन्यू की जहाँ तक बात है वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पे रहेंगे, 437.2 करोड़ डॉलर्स का रेवेन्यू पोस्ट करती हुई दिखेगी कंपनी। कारण देखिए दो तीन है, सबसे पहले तो Q2 में कंपनी को एक ऑर्डर मिला था ऑलमोस्ट 180 करोड़ 2.7 करोड़ डॉलर्स का, वो ऑर्डर स्लिप ओवर होके इस बार Q3 में रिफ्लेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट आपको दिख रहा है रेवेन्यू में वो उसी की वजह से आ रहा है। साथ ही कांस्टेंट करेंसी में 1.5% तक की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर आप क्रॉस करेंसी हेडविंड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5% तक का इम्पैक्ट क्रॉस करेंसी डालती हुई दिखेगी और यही कारण है डॉलर रेवेन्यूज इस बारी प्रेशर में आते हुए दिख सकते हैं। जहां तक रही बात कंपनी के एबिट की ऑपरेटिंग फ्रंट पे तो एबिट इस बारी 0.3% बढ़ता हुआ दिखेगा और आंकड़ा 7,640 करोड़ के आसपास रह सकता है। एबिट मार्जिन 0.1% गिरने का अनुमान है, 26% से घटके 25.9% रह सकते हैं। एक तरफ वीजा कॉस्ट बढ़ी है उसका प्रेशर आएगा, वहीं दूसरी ओर कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी गिर रही है तो वो कहीं ना कहीं मुनाफे पे प्रेशर डालेगी। हाँ, आप नजर रखिए इस बारी की ऑर्डर पाइपलाइन कैसी रहती है और इन्होंने जो गाइडेंस दी थी मार्जिन की 26-28% की, अगर उसके नीचे आता है और 26% से ज़्यादा नीचे आता है तो प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दिखेगा, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल रहेगा क्या ये अपनी गाइडेंस को मीट कर पाएंगे। और साथ ही नज़र रखिएगा फॉरेक्स इनकम की, इस पिछली बारी 370 करोड़ की फॉरेक्स गेंस हुए थे, इस बार ये आंकड़ा कहाँ रहता है? अगर बेटर आता है तो डेफिनेटली मुनाफे को ज़रूर थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। शुक्रिया अंचल आपका। आशु, आपके कमेंट्स क्या होंगे टीसीएस पर? जैसे अंचल ने भी मेंशन किया रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैटिश रह सकती है, रेवेन्यू ग्रोथ कैसे आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर्स कैसे रहेंगे, क्योंकि आप देखिए जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो पिछले साल जनवरी से ही कंसिस्टेंटली अंडर प्रेशर हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बीएफएसआई सेगमेंट की परफॉर्मेंस, स्पेशली अब यूएस से जो कंसर्न्स नए एमर्ज हुए हैं इमिग्रेशन वीजा रिफॉर्म्स को लेकर, उसके ऊपर मैनेजमेंट का क्या स्टांस है वो भी देखना होगा। लेकिन आप अर्निंग से पहले क्या कोई ट्रेड लेंगे टीसीएस में या फिर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से क्या कोई अप्रोच रखेंगे? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं रखेंगे। ऑन द कॉन्ट्री अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की जैसे हमने बात की, एज ए पेयर ट्रेड अगर हम बाकी चीजें स्टील को लॉन्ग करके या पीएसयू बैंक्स को लॉन्ग करके जाते हैं तो आई थिंक आईटी इस वक्त जो फ्रंटलाइन पैक है उसमें हम नेगेटिव व्यू ले सकते हैं और एक हेज क्रिएट कर सकते हैं। सो आई थिंक एज ए पीयर ट्रेड वी हैव एडवाइस कि अगर किसी को हेज करना है तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स माइनस रख के बाकी चीज़ें लॉन्ग करी जा सकती हैं। सो अभी कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी एक फ्रंटलाइन आईटी को लेने में, क्योंकि इनके जो एनवायरनमेंट है एक टेम्परेरी स्पाइक या एक हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से बाउंस बैक नहीं कर सकते, बट कोई मीनिंगफुल रिकवरी दिखती है या कोई इनमें कोई टर्न अराउंड दिखता है ऐसा नहीं दिखता। सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ट्रेड कि अगर बाकी मार्केट में जिस तरह से एक जिस जो बीटा प्ले हो रहा है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। सो आई थिंक इन एनी केस लॉन्ग तो नहीं करना चाहिए। चलिए, एबिट परसेंटेज एबिट मार्जिन अगर 26% 25.9% के आसपास आ गए तो ठीक, लेकिन उसके बाद अगर नहीं आए तो चिंता बढ़ जाएगी।
एट्रिशन हमेशा से कोई प्रॉब्लम नहीं है टीसीएस के लिए, लेकिन H1B वीजा को लेकर उसके पॉलिसीज उसके क्या स्ट्रैटेजी रखती है कंपनी, ये बहुत मायने रखेगा और देखना होगा मैनेजमेंट इसके ऊपर क्या कमेंट्री करती है, खासतौर से US मार्केट से कितना वो समझती है कि कॉन्ट्रीब्यूशन आता हुआ नजर आएगा आने वाले समय के लिए, ये भी फोकस में रहेगा। कल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर TCS पे क्या कुछ रुझान देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देती है नतीजों के बाद, लेकिन फिलहाल IT स्पेस में आज उतनी स्ट्रांग खरीदारी नहीं बनी है। आगे बढ़ते हैं और फिर से कुछ एक्शन जो डेफिनेटली आज मिड कैप स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है उस पर बात करेंगे, क्योंकि निफ्टी मिड कैप जो है वो 100 बहुत स्ट्रांगली तेजी में 180 पॉइंट्स के गेन दिखा चुके हैं, लगभग 1% से ज्यादा की तेजी ऑब्वियसली मिड कैप स्टॉक में यहाँ पर देखने को मिली है, अच्छी तेजी मिड कैप स्टॉक में। रजत, ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी बाएंगे आप, देखिए जय भारत मारुति अब 17% ऊपर आ चुका है, 17% के सर्च के साथ अभी जय भारत मारुति ट्रेड कर रहा है। कुछ और शेयर्स अगर देखिए ऑटो एंसिलरी स्पेस के, तो JBM ऑटो, सोना कोयो स्टेयरिंग, ये सभी शेयर्स आज दिन भर स्ट्रांग रहे हैं। भारत फोर्ज एक्सपेंस करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। हिम्मत सिंह का सीडे की भी थोड़ी देर पहले बात की थी रजत ने, यहाँ पर अभी भी मजबूती बनी हुई है। देखिए आप सुमैने सिरामिक्स, यहाँ भी 9.5% के गेंस हैं, ये कुछ और शेयर्स है। लेकिन ब्रिजेश, ये ऑटो एंसिलरी स्पेस से एक तो सुब्रोज और दूसरा जय भारत मारुति, इन दोनों पर आपकी राय क्या है, क्या करना चाहिए अभी? देखिए सुब्रोज की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली एक जो लेवल था 150 से जो इसमें जो मूवमेंट पकड़ा हुआ अभी भी बरकरार है, और आज के सत्र में तो हमने वॉल्यूम के समय इसमें एक उछाल देखा है, 178 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। निचला स्तर की अगर मैं बात करता हूँ तो अच्छा सपोर्ट 165 से 168 के बीच में मुझे लगता है कि वो होल्ड ऑन करेगा, अगर किसी को अगर दाव भी लगाना हो तो उसका स्टॉप लॉस लेके एक बार पोजिशन बना सकते हैं, और 178 के आसपास में चल रहा है, मुझे लगता है कि ये रैली वुड बी एक्सटेंड टू लेवल ऑफ 192 फॉलोड बाय 210, तो ये दो लेवल हैं अपसाइड में जो दिखते हैं कि वो अचीवेबल हो जाएंगे। इनफैक्ट एक स्टॉक है रुशल डेकोर, ये दो ट्रेडिंग सेशन से बहुत स्ट्रांग रिटर्न्स दे रहे हैं और वो भी वॉल्यूम के साथ, अच्छी तेजी इस स्टॉक पे देखने को मिल रही है और आज भी दिन के उच्चतम स्तर पे कामकाज कर रहे हैं। अनुज एक बार चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं, दो दिन पहले या फिर आज जिन्होंने पोजीशंस बनाई हो कि एग्जिट कर जाएं या फिर यहां से तेजी भी और बढ़ जाएगी? देखिए रुशल में अभी भी आप देखेंगे तो तकरीबन 680 से 700 की जो रेंज है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन के आता है, और उस लेवल के ब्रेकआउट के बाद एक नया ट्रेंडिंग अप मूव स्टार्ट होगा। काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन है जो तकरीबन 500 से लेकर और ऊपर में तकरीबन 670 की रेंज तक हुआ है, ऊपरी लेवल पर है, एक बार ब्रेकआउट मिलते हैं 680-690 के तो मेरे ख्याल से एक्सटेंडेड मूव देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेडिंग की पोजिशन बनाई गई है लोअर लेवल पर तो मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा, इन्वेस्टमेंट की पोजिशन के लिए अभी वेट करने के लिए बोलूंगा, एक बार 680 से ऊपर के ब्रेकआउट मिल जाए और उसके ऊपर सस्टेन करे तो एक ट्रेंडिंग मूव चालू होगा और उस समय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पोजीशन बनाई जा सकती हैं। लेकिन अगर ट्रेडिंग की पोजीशन लोअर लेवल्स पर ले गई थी तो मेरे ख्याल से ये लेवल्स हैं 655-670 की जो रेंज है ये लेवल है जिसके अंदर ट्रेडर्स को जरूर से अपने प्रॉफिट बुक करने चाहिए। एक सेक्टर और देखते हैं वो है लेदर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, शू मैन्युफैक्चरर्स, वहां पर तेजी बढ़ रही है। बाटा इंडिया, ये स्टॉक निचले स्तर से तेज हुआ है, मिर्जा इंटरनेशनल अब तेज हुआ है, बाटा दिन के उच्चतम स्तर पर आ गया 475 के जोन्स पे, और लिबर्टी इस स्टॉक पे भी दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड हो रहा है 5% की तेजी। ब्रजेश, आपके रडार पर है क्या इसमें से कोई भी स्टॉक? देखिए मिर्जा इंटरनेशनल पे आप दाव लगा सकते हैं, समवेयर अराउंड 95 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, मेरा मानना ये है क्योंकि डेली चार्ट्स पे एज वेल एज ऑन द आवर्ली चार्ट दोनों पे ही इट्स बीन मूविंग ऑन द हायर लोस फॉर्मेशन विच गिविंग अ बुलिशनेस साइन। रैली तो निचले स्तर से लगभग 83 और 82 के आसपास से स्टार्ट हुई थी, अभी भी अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो डेफिनेटली इसमें दाव लगा सकते हैं। 88 से 89 का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लेके यू कैन गो फॉर अ बाई साइड। इमीडिएट बेसिस पे आपको 99 के टारगेट देखने को मिलेंगे, अगर किसी का व्यू थोड़ा एक से दो महीने का है तो टारगेट कैन बी एक्सटेंडेड टिल 107-110 ऑड लेवल। जी, तो बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ आज इंडियन मार्केट्स में देखी गई है, 83-87 यानी 8400 के बेहद नजदीक अब निफ्टी पहुंच चुका है, और स्ट्रांग पार्टिसिपेशन आया है आज बैंकिंग स्टॉक्स की ओर से, मेटल स्टॉक्स की ओर से। लेकिन अब आखिरी के 25-30 मिनट में आप ट्रेड कहां ले सकते हैं ये जान लेते हैं, रुक कर लेते हैं फाइनल बेट का। मनीष बताएं कौन से स्टॉक पे दाव लगाया जा सकता है?
धन्यवाद। खासतौर पर आप देखिए भले मेटल और बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी आ गई है, तो वैसे स्टॉक्स को चुनने के बजाय उन शेयर पर दाव लगाने की ज़्यादा संभावना मुझे लगती है जिसमें अभी तक तेजी नहीं आई है। इसलिए छोटे मुझे आईटी स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा पुलबैक दिखा सकते हैं। टालना सोल्यूशन एक शेयर होगा जिसमें अभी तक कोई रैली देखने को नहीं मिली है, लेकिन लगता है कि ये पुलबैक देखने को मिल सकता है इन तमाम शेयरों में। कल टीसीएस के नतीजे आने वाले, उससे पहले लगता है कि छोटे मुझे आईटी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। बीते दो तीन दिनों का आप ट्रेंड देखिए तो कहीं ना कहीं छोटे मझोले आईटी स्टॉक्स में खरीदारी का रुझान देखने को मिला। इस शेयर की खासतौर पर बात करें तो बीते 10 दिनों से देखिए शेयर एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब रेंज का मुझे लगता है कि रेंज जो है ऊपर की तरफ टूटता हुआ दिख सकता है और शेयर में थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड समान तौर पर बाजार में देखने को मिला। ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में देखा था बीते दिनों यही ट्रेंड देखने को मिला था, एक दायरे में ट्रेड कर रहे थे, फिर दायरा टूटा और तमाम ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में बड़ी रैली देखने को मिली है। बीते 5 दिनों का शेयर में ट्रेंड देखिए, करीब 45 से लेकर 46% तक की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेयर डेली देखिए या वीकली चार्ट देखिए, दोनों में मजबूती के साथ ऊपर की तरफ टिका हुआ है। बाजार में जब गिरावट आई बीते 1-1.5 महीने पहले, इस शेयर में गिरावट देखने को नहीं मिले थे, उल्टा हमने देखा था खरीदारी का रुझान था। तो ऐसे में लगता है कि मुझे टालना सोल्यूशन में थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक देखने को मिल सकता है। 61 रुपये तक का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा, 57 रुपये का आपको लेकिन इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, लाल निशान से हरे में लौटता हुआ नजर आया और 0.5% के गेंस दिखाई दे रहे हैं, पर निचले स्तरों से बहुत स्ट्रॉन्गली और स्मार्टली पुल बैक दिया। दिन के उच्चतम स्तर पे है, 59 के लेवल को क्रॉस करता हुआ तनला सॉल्यूशंस, इस पे आप नजर रख सकते हैं। टेक्निकली यहां पर खरीदारी इमर्ज हो सकती है। अब फिलहाल 59.10 के लेवल्स पे काम काज कर रहा है। शुक्रिया मनीष ये स्टॉक पहुंचाने के लिए हम तक, और दिन के उच्चतम स्तर पे इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक स्टॉक और देखते हैं, वो है एस्कॉर्ट्स। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आज के मार्केट में डिलीवर कर दिए हैं, 7% की तेजी ऑलरेडी बन चुकी है। आशु आप बताएं, अगर क्या एस्कॉर्ट्स पे आफ्टर सेल्स नंबर्स यहाँ पर आप रिकमेंड कर रहे हैं खरीदारी करने के लिए, या फिर ऑटो पैक में कोई और स्टॉक आपको पसंद हो? नहीं, हमने कल इसमें बाइंग की थी, कल बाइंग रिकमेंडेशन थी, टेक्निकल बाइंग भी रिकमेंड की थी। मुझे लगता है आज भी अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक के बाकी को रन किया जाए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छा है, सो आई थिंक ये मोमेंटम अभी जिस तरह से हमें लेके जाएगा, तो मिड कैप में ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए प्रॉफिट बुक करने की। अभी और भी मतलब एक अप मूव मिल सकता है वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स के अंदर जैसे हमने बात की। सो आई थिंक अभी भी एस्कॉर्ट्स में अगर फ्रेश बाइंग भी करनी हो किसी को, सो नॉट बिकॉज हमने एक शार्प रनअप देख लिया उस वजह से वी शुड बी डाउटफुल कैसे ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता। मुझे लगता है अभी भी अप मूव काफी है, ऊपर है, और अगर शॉर्ट टर्म में नहीं जाएगा तो मीडियम टर्म में उस अप मूव को देखने को मिलेगा। हमने पीछे भी देखा था इसकी री रेटिंग हुई थी स्टॉक की, काफी एक अच्छा मूव आया था, जितने लोग इन्वेस्टर्स पुराने थे उनके हाथ से स्टॉक निकल सा गया था, बट आई थिंक ये पिछले मार्केट करेक्शन में हमें एक और मौका मिला एंटर करने का। सो अगर किसी ने अभी भी नहीं किया तो अभी भी कर सकता है। एक बार देख लेते हैं इंडिया सीमेंट्स को। ये स्टॉक आज तो अच्छा चल ही रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार बाइंग स्टॉक में देखी गई है। डेरिवेटिव्स में भी जो एक्टिविटी है ट्रेडर्स की ओर से, वो खरीदारी की तरफ ही रही है, और अभी करीब 134 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस बीच आरबीआई गवर्नर मिस्टर उर्जित पटेल कुछ बोल रहे हैं, वहां से। टेक्नोलॉजी ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, एन ऑल इंक्लूसिव एंड मॉडर्न इकोनॉमिक जोन। It offers global firms competitive access to India's large and burgeoning demand for financial services. International financial centers around the world have historically emerged out of the confluence of economic and political developments. In modern times, while major centers adapted their financial institutions and instruments to intermediate international capital flows, they also came to be seen as vehicles for economic growth and development of the host countries. To achieve their objectives, it is necessary that the regulatory frameworks governing IFSC operations are well thought out, guided by the ease of doing business principle, tempered by prudent risk management, and geared to deliver efficient financial services. The various areas of attention from this standpoint include registration and approval process for new entrants, regulation, supervision and resolution of financial entities, and dispute settlement. IFSC at GIFT City is probably the first such center to be launched after the 2008 global financial crisis. In some ways, the light touch regulatory philosophy epitomized by IFSC's came to be questioned in the aftermath of the crisis. However, GIFT City has the advantage of drawing the right lessons in this regard to avoid pitfalls.
The RBI has been working closely with all IFSC stakeholders on diverse subjects in recent years to help GIFT develop. Today we see intense competition among the major IFSCs trying to position themselves for various business lines and increase their business potential, which is the theme of this seminar. In addition to the usual attributes, there are two other dimensions. One, the broader economic environment in tandem with associated policies, and the microeconomic and the micro ecosystem specific to the IFSC sector. I'll take each in turn. First, the macro. As we celebrate GIFT today, it is important to recognize that its further growth will, inter alia, be predicated on the environment of domestic macro stability that we have achieved along several key areas over the last few years. We need to be aware. तो वाइब्रेंट गुजरात समिट से आप सुन रहे थे आरबीआई गवर्नर मिस्टर उर्जित पटेल को. लेकिन मार्केट्स इंट्राडे हाईस पर ट्रेड कर रहे हैं. निफ्टी बैंक स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट कर रहा है आज की तेजी में, 2.5% से ज्यादा की बढ़त. और एक और सेगमेंट जिसकी ओर से स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन आया है वो है मेटल स्टॉक्स. इनफैक्ट सुबह मेटल्स पर डॉयशे बैंक की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि साल 2016 इंडियन मेटल इक्विटीज के लिए बहुत स्ट्रांग ईयर रहा है पिछले 7 सालों में, और आउटलुक 2017 के लिए भी ब्राइट है, स्टीम अभी भी बची है. इसी पर एक कमेंट ले लेते हैं. हमारे साथ अब मिस्टर दलजीत कोहली मौजूद हैं इंडिया निवेश से. मिस्टर कोहली, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस. हम मेटल स्टॉक्स की बात कर रहे हैं. 2016 तो नो डाउट स्ट्रांग ईयर रहा, फिर चाहे वो स्टॉक अप्रिसिएशन की बात हो या फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो रही है कंपनियों की उसमें इंप्रूवमेंट की ही बात क्यों ना हो, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि स्टीम अभी और भी बची है, मेटल स्टॉक्स अभी भी खरीदे जा सकते हैं? गुड आफ्टरनून. जी हाँ, हमें भी लगता है कि अभी स्टीम काफ़ी बाकी है मेटल स्टॉक्स में. उसका मेन रीज़न ये है कि अभी हम जो देख रहे हैं वर्ल्ड ओवर एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स जो चल रहे हैं, और सभी कंट्रियां अपने देश को बचाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के बैरियर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं. हमने भी इंडिया में स्टील में MIP लगाया है, और भी जगहों पे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी ये वो लगाने की बातें कर रहे हैं. तो इससे ये क्लियर है कि भले ही हमारे यहाँ डिमांड शायद उतना ग्रो नहीं किया है, लेकिन हमारे को ये जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हैं उससे सपोर्ट मिलेगा. और दूसरी चीज़ ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक वर्ल्ड वाइड ये हवा बनी है कि शायद ग्लोबल ग्रोथ वापस आएगी. और जब भी ग्लोबल ग्रोथ का सिनेरियो होता है तो कमोडिटीज़ हमेशा रैली करते हैं, और उसमें सबसे पहले मेटल रैली करता है. तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें इस समय एनवायरनमेंट सपोर्टिव है सेक्टर के लिए, तो इसलिए ये सब स्टॉक्स आपको बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं. बट एक ही कैवियट ये रखना चाहिए कि मेटल्स की रैली तेज़ी से बढ़ती है तो बहुत चलती तो बहुत तेज़ है, लेकिन जब ख़राब होती है तो फिर कई साल तक खराब पड़ी रहती है. तो इस रैली में आप पार्ट ज़रूर लीजिए, पर साथ के साथ प्रॉफिट भी बुक करते रहिए. तो हमारा जो एडवाइस है कि आप एक लेवल के बाद आके या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए या फिर आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए साथ के साथ. जी चलिए, अब कुछ ट्रेड्स जान लेते हैं जहां पर आप पोजीशंस कैरी कर सकते हैं कल के लिए. साक्षी मौजूद हैं, बताइए साक्षी कौन से स्टॉक. शुक्रिया दीपाली. शुरुआत करेंगे एके प्रभाकर की तरफ से, जो दो कॉल्स आई हैं. पहली पिक इनकी पावर ग्रिड रहेगी, जहां पर खरीदारी रेकमेंड कर रहे हैं 196 के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 187 का. मिनती ऑर्गेनिक्स इनकी दूसरी पिक है, जहां पर ये बुलिश है, 695 के टारगेट्स रेकमेंड कर रहे हैं और 659 का हमें स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करना होगा. विकास सालों के निर्मल बैंक से इनकी राय है भारत फाइनेंस को लेकर, और यहां पर ये बुलिश राय रखते हैं. 678 के टारगेट्स के लिए खरीदारी रेकमेंड की है, 645 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा. इंट्रा स्पेस है, रिलायंस इंट्रा इनकी अगली पिक है, और 524 के टारगेट्स के लिए खरीदारी रेकमेंड की है, 498 का हमें स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करना है. आशीष क्याल की तरफ से भी दो पिक्स आई हैं. पहली पिक इनकी बैंकिंग स्पेस है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर है, 122 के टारगेट्स रेकमेंड किए हैं, 112 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है. और साथ ही मेटल स्पेस पर ये भी बुलिश है. हिंदुस्तान जिंक में अभी भी स्टीम देखते हैं, खरीदारी के लिए 293 के टारगेट्स रेकमेंड किए हैं, 270 का हमें स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करना है. चलिए दो एक ऐसे स्ट्रेट जहां पर आप पोजीशन बना सकते हैं आज और कल, मुनाफा वसूली के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सभी तेजी की कॉल्स आई हैं. अनुज, इन सभी स्टॉक्स में कोई स्टॉक और जोड़ना चाहेंगे आप?
जी, अब जैसा मैंने बताया कि आज काफ़ी सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और बाजार की भी स्थिति देखते हुए मेरे ख्याल से लॉन्ग साइड में अगर कोई ट्रेड लेके जाएंगे तो एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। इस वक्त मैं सजेस्ट करना चाहूँगा एक तो मक्लॉयड रसल को जो तकरीबन 148 149 के लेवल के आसपास चल रहा है, उसमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अप साइड में तकरीबन 153 157 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो CESC में मुझे एक मोमेंटम देखने को मिलता है। इनफैक्ट हमारी एक बाई कॉल आज सुबह से इनिशिएट है उस पर, उसमें 668 के ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे तो तकरीबन 685 तक के लिए मूव एक्सटेंड हो सकता है। तो CESC को भी लिया जा सकता है किसी भी शॉर्ट टर्म ट्रेड की लॉन्ग पोजीशन के लिए। इस वक्त 655 के स्टॉप लॉसेस इंपॉर्टेंट रहेंगे। जी मिस्टर कोहली, इंडसइंड बैंक पर आपके कमेंट्स क्या हैं पोस्ट अर्निंग्स, पोस्ट जो आज का राइज आया है? हम लोग इंडसइंड बैंक कवर नहीं करते हैं, बट हमारा व्यू पॉजिटिव है स्टॉक के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके का ग्रोथ उन्होंने दिखाया है बेसिकली वो मेंटेन किया है। सो देर इज़ नो नेगेटिव और पॉजिटिव सरप्राइज। जैसा लोगों को पहले डर था कि शायद ये डिमोनेटाइजेशन या जो करंट मार्केट इन्वायरमेंट है, फाइनेंशियल इन्वायरमेंट, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये बैंक के रिजल्ट्स में कुछ देखने को मिले, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि इंडसइंड बैंक का पहले तो एक्सपोजर ऐसे सब सेक्टर्स में ज़्यादा है नहीं, और दूसरा ये कि ये बहुत कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो में काम करते हैं जहाँ पर कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। आज का जो स्टॉक मूव है वो शायद शॉर्ट कवरिंग की वजह से ज़्यादा है, और स्टॉक हमेशा ओवर प्राइस रहता ही है, वैल्यूएशन वाइज स्ट्रेच रहता ही है, तो हम लोग कवर नहीं करते हैं, इसलिए हमारा टारगेट या रिकमेंडेशन नहीं है, बट व्यू पॉजिटिव। आशु, आप कौन से स्टॉक्स पे बेट लगा रहे हैं इस रिजल्ट सीजन के आधार पर? कहाँ पर रिजल्ट्स बेहतर रहने के अनुमान है, जहाँ पर आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि हाँ इस इंडस्ट्री के या फिर इस स्टॉक के रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो तेजी बनेगी, या फिर उससे पहले कुछ आपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा? हमने प्राइवेट बैंक्स में रिकमेंडेशन दे रखी है, मीडिया स्टॉक्स में रिकमेंडेशन दे रखी है, कंजम्पशन स्टॉक्स में हमने रिकमेंडेशन दे रखी है, सेलेक्ट ऑटोज में हमारे रिकमेंडेशन है, लेकिन अगेन विद दैट कैवियट मैं बताऊंगा कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सरप्राइज जरूर मिल सकते हैं। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं इस वक्त जो इस तरह का मार्केट का स्ट्रक्चर है तो आई थिंक इंडेक्स के साथ बने रहना ज़्यादा सेफ होगा थ्रू ऑप्शंस। ब्रजेश, आपको कौन से ट्रेड्स अच्छे लग रहे हैं नेक्स्ट सेशन के लिहाज से, जहाँ पर पोजीशंस कैरी की जा सकती हों? देखिए, दो तीन शेयर्स अच्छे लग रहे हैं। मेटल में सेल अच्छा लग रहा है, आज के सत्र में एक नया 52-week टॉप भी बना है, समवेयर अराउंड 56 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 54.75 रुपये का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 58, 50 and 59 के आसपास। दूसरा, बैंकिंग में इंडियन बैंक चार्ट पे अच्छा लग रहा है, 248 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, आप 240-242 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 255 फॉलोड बाय 262। दूसरा एक फार्मा में इप्का लैब अच्छा लग रहा है, समवेयर अराउंड 560 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, अगर 550 के आसपास में मिलता है तो एक बाइंग लेवल इमर्ज होता है वहाँ पर विद द स्टॉप लॉस ऑफ 535 एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 575। अगर किसी का व्यू शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का है तो टारगेट कैन बी एक्सटेंड टिल लेवल ऑफ 620। मिस्टर कोहली, आपके हिसाब से लीडरशिप पोजीशंस कौन से स्टॉक संभालेंगे, कहां पर बेट लगानी चाहिए सर मिड कैप कैटेगरी में? देखिए, हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बात करेंगे, लेकिन जैसे हमने 2017 के लिए जो एक नोट निकाला है कि अगर इस साल में आपको कुछ लेना है तो हमारा जो थीम है वो एक तो एनर्जी सेक्टर पे है, बेसिकली जिसमें ऑयल एंड गैस, पावर, ये सब सेक्टर इन्वॉल्व है, तो उसमें हमें जो स्टॉक्स पसंद है वो ONGC, ऑयल, गेल, रिलायंस, ये सब में हमारा बाई कॉल है। और अगर हम पावर ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो GE T&D, जो पहले एल्स्टॉम T&D था, वो हमें पसंद है, वहाँ पर हमें लगता है पावर ग्रिड टॉप कॉल है वहाँ पर। तो आई थिंक इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं इस साल के लिए अगर हम देखेंगे तो वो अच्छे रहेंगे। दूसरा, एग्रोकेमिकल्स में हमें काफ़ी स्टॉक्स पसंद हैं, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल हमने अभी रिसेंट कवरेज लिया है, और रैलिसिस पे हम पहले बात कर चुके हैं, एसटेक पे पहले बात कर चुके हैं, तो वो कंटिन्यूड है। आशु जी, पावर स्टॉक्स में जो अभी बात हो रही है इसमें CESC, REC, PFC, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज बस कर रहे हैं, अच्छे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है तेज़ी यहाँ से बढ़ सकती है इन स्टॉक्स में? इस वक्त तो ज़रूर बढ़ सकती है, बट मैं बोलूँगा कि मैं आई वुड स्टिल रिकमेंड अदर स्टॉक्स देन दीज स्टॉक्स,
बट एज ऑफ नाउ जिस तरह की मूव है, मूव मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में बढ़ सकती है, बट हमें आगे जाके देखना है कि किसमें जो मूव है सस्टेन रह सकती है, या ऐसा नहीं हो कि शॉर्ट टर्म हो के मार्केट जहां पे भी ये शॉर्ट कवरिंग ओवर हो जाए या बजट ब्लूज खत्म हो जाए तो उसके बाद हम वापस एक कंसोलिडेशन में या थोड़ा सा करेक्टिव मोड में आ जाए. बट आई थिंक एज ऑफ नाउ तो ये मूव पॉजिटिव लगती है, बट आई थिंक यू हैव टू बी अ स्मार्ट ट्रेडर टू गेट इन एंड गेट आउट. कल TCS के अर्निंग्स के साथ साथ IIP के नंबर्स भी आएंगे. अब ये नंबर्स कैसे रह सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, और क्या प्रोजेक्शंस हैं ये जान लेते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ रूम से संदीप. बताइए संदीप. शुक्रिया दीपाली. देखिए इस बार नवंबर IIP के जो आंकड़े आएंगे उसमें पॉजिटिव रुझान देखने को मिल सकता है. 0.4% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. देखिए पिछले साल की आप बात कीजिए यानी कि नवंबर 2015 के आंकड़ों की बात कीजिए या तो फिर पिछले महीने अक्टूबर की बात कीजिए, दोनों बार में जो IIP ग्रोथ थी वो नेगेटिव थी. अक्टूबर में -1.9% की IIP ग्रोथ थी और नवंबर 2015 की अगर आप बात करें तो -3.4% की ग्रोथ थी. तो उस लिहाज से देखा जाए छोटा बेस है जिस वजह से इस बार जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी. हालांकि नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर को, उसका ऐलान हुआ था, उसका कोर सेक्टर और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है इन दोनों आंकड़ों के ऊपर नेगेटिव असर देखने को मिला था. मंथ ऑन मंथ इन दोनों आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है. लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि बेस छोटा है, -3.4% की ग्रोथ रही थी पिछले साल नवंबर में, तो उस वजह से छोटा बेस होने के कारण इस बार जो ग्रोथ है वो आपको इस बार नंबर्स में जरूर देखने को मिलेगी. और हमारा ऐसा अनुमान है कि 0.4% के आसपास की जो ग्रोथ है वो कल शाम जब नंबर आएंगे 5:30 बजे उसमें देखने को मिल सकती है. चलिए तो ये कल शाम 5:30 बजे आंकड़े आएंगे और उम्मीद है कि बेहतर आंकड़े रह सकते हैं. अब देखना होगा. देखिए GDP की जो फिगर्स आए थे उसमें नवंबर के बाद से फाइनेंशियल स्टैट्स में नोटबंदी का इफेक्ट नहीं था, लेकिन नवंबर में जो IIP एक्सपेक्टेड है उसमें 0.4% ग्रोथ रहने का अनुमान है. अक्टूबर में IIP ग्रोथ -1.9% रही थी. लेकिन बाजार पे अभी अप्रोच देखते हैं और इनफैक्ट एक स्टॉक जो आज बाजार को बहुत संभालने की कोशिश कर रहा है वो है कोल इंडिया. बहुत स्ट्रांगली रिटर्न्स अब 311-312 के लेवल पे, निफ्टी खुद 1% के आसपास की तेजी शो कर रहा है और उसमें कोल इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है. अब 317 के लेवल पे 5% की तेजी, इंट्राडे मूव बहुत स्ट्रांग है. मिस्टर कोहली, एक तो PSU स्टॉक्स पे आप क्या कर रहे हैं और दूसरा कोल इंडिया का यहां से भी और चढ़ सकता है? जी हाँ, कोल इंडिया पे हमारा पॉजिटिव व्यू है. हमारा एक्चुअली रीट्रेड किया था हमने बाय कुछ दिन पहले, मेनली क्योंकि इन्होंने जो इस बार के जो ऑफटेक नंबर्स आए थे नवंबर में वो काफ़ी अच्छे नंबर्स आए थे. मंथ ऑन मंथ ग्रोथ अच्छी थी और जिस तरीके का मैनेजमेंट ने कमेंट्री दिया है आगे आने वाले समय के लिए वो भी काफ़ी स्ट्रांग है. आज जो स्टॉक चल रहा है वो बेसिकली कुछ ऐसा र्यूमर्स चल रही हैं कि अगले हफ्ते शायद कंपनी वो कुछ कोल प्राइसेस बढ़ाने की बात कर रही है. यदि वो होता है तो वो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव होगा. हमें ये समझना चाहिए कि इंटरनेशनली कोल के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और कोल इंडिया के और इंटरनेशनल प्राइसेस में काफ़ी बड़ा गैप है. बट ये नहीं होता है कि कोल इंडिया एग्जाम फॉलो करता है और एक वो गैप ज़ीरो हो जाएगा, बट ये गैप जितना भी थोड़ा नैरो कर सकते हैं वो कर पाएंगे. तो हो सकता है कि कोल इंडिया के पास अभी ऑप्शन है कि वहाँ थोड़ा प्राइसिंग बढ़ा सके और इसलिए उनके नंबर्स बेटर आ सकते हैं. तो कोल इंडिया पे हमारा भी दूसरा, कोल इंडिया क्या है, हमेशा बेटर डिविडेंड देता है और अभी हमने पिछले 3-4 दिन से जब भी बजट आता है ये बात सुनते ही है कि गवर्नमेंट का प्रेशर आ रहा है कि आप डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए. तो अगर वैसा होगा तो अगर पिछले सालों का हिसाब देखें तो कोल इंडिया के लगभग 7-8% डिविडेंड यील्ड रहती है, तो वो मतलब 24-25 रुपये आपको डिविडेंड भी मिल सकता है. तो दोनों मिलाकर के ये कंपनी के फेवर में है. जिनके पास स्टॉक है उनको तो बने ही रहना चाहिए और फ्रेश एंट्री करनी है तो भी एक अच्छा मौका है. एक बार फर्टिलाइजर स्पेस के दो शेयर्स देख लेते हैं, स्पेशली एक तो दीपक फर्टिलाइजर और एक GSFC. GSFC में तो इनफैक्ट अभी एक स्पर्ट आया है जिसके बाद ये शेयर दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है. अभी PTI के थ्रू एक खबर भी आ रही है, फर्टिलाइजर मिनिस्टर की ओर से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि उन्होंने वित्त मंत्रालय को अर्ज किया है कि वो 20,000 करोड़ की स्पेशल बैंकिंग फैसिलिटी फर्टिलाइजर सेक्टर को दे, रिक्वेस्ट की है इस तरीके की. लेकिन GSFC स्पेशली आपको कैसा लग रहा है अनुज, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ये पूरे ही फर्टिलाइजर स्पेस में, अपने 2 वीक हाइस पर ट्रेड भी कर रहा है और लगातार हमने ट्रेडर्स का इंटरेस्ट शेयर में देखा भी है. अभी आपका क्या व्यू है GSFC पर? जी दीपाली, आपने बिल्कुल सही कहा कि GSFC के अंदर काफ़ी अच्छा मूव पिछले दिनों में आ चुका है और ये रैली लगभग 75 के लेवल से चालू हुई है पिछले 3 महीने पहले और एक अच्छा मूव देखने को मिल चुका है जिसमें लगभग 70% से भी ज़्यादा के रिटर्न अब तक मिल चुके हैं. GSFC में तकरीबन 122-125 की जो रेंज है यही एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है. काफ़ी लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखें तो लगभग ये आज से 2.5-3 साल पहले 2 साल पहले के हाइस थे जिनको ये एक बार टेस्ट करेगा, तो इन लेवल्स के आसपास ज़रूर से 100
118 से 122 23 की रेंज में ज़रूर से एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। एक बार ये लेवल निगोशिएट होते हैं तो जैसा राउंडिंग बॉटम जैसा राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, मेरे ख्याल से 125 के ब्रेकआउट के बाद एक नया एक्सटेंडेड मूव चालू हो सकता है जो 140 145 तक की रेंज के लिए एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन मैं टेक्निकली अभी भी वेट करूंगा कि एक बार 120 122 के लेवल के ब्रेकआउट दे और उनके ऊपर सस्टेन करे तो एक मीडियम टर्म के लिए एक अच्छा बाय बनता है। अगर लोअर लेवल्स की इन्वेस्टर्स की या किसी ट्रेडर की बाइंग है तो मेरे ख्याल से 120 122 की रेंज होगी जहां पर प्रॉफिट एक बार जरूर से बुक किया जा सकता है। ब्रजेश, एक तो ये स्टॉक देखें SRF जिन्होंने आज पोजीशंस बनाई हो, क्या वो कल तक के लिए कैरी कर सकते हैं? और दूसरा स्टॉक है एटलांटा, दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है? देखिए डेफिनेटली SRF चार्ट पे ज़्यादा ही बेटर लग रहा है कंपैरेटिवली एटलांटा। 1653 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। एक दो तीन दिन पहले एक अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला था वॉल्यूम के संग में समवेयर अराउंड 1580 के आसपास में, एंड दैट मूव इज बी स्टिल एक्सटेंड। मुझे जो चार्ट पे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पे आपको 1720 1725 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। अगर रैली थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है देन इट कैन इवन टच 1900 ऑड लेवल। नीचे सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे मैंने कहा कि जो रैली चालू हुई थी वो 1580 के आसपास से चालू हुई थी, तो आप उसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं डीपर। और अगर किसी को मोमेंटम प्ले करना है तो 1620 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं। जी, इनफैक्ट SRF पे आज IFL की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने इसको ऐड करने की रेटिंग दी है। स्टॉक 5% से ज्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। एक बार शुगर स्टॉक्स को देख लेते हैं, वहां पर क्या रुझान है? सुबह मजबूत शुरुआत हुई थी एक बार फिर से, लेकिन अभी बलरामपुर चीनी अपने हायर लेवल से नीचे आया है, थोड़े दबाव में है। और उगर शुगर एक कंसिस्टेंट मूवर रहा है, वहाँ आज भी स्ट्रेंथ है। द्वारिकेय शुगर, धामपुर शुगर में थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखी जा रही है। इनफैक्ट रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान, तो जो लगातार 2.5 हफ्ते की बाइंग थी वो आज थोड़ी सी रुकी है। लेकिन मिस्टर कोहली, आपके कॉमेंट्स क्या हैं पूरे ही शुगर स्पेस पर? कई सारी खबरें रही हैं जिन्होंने पिछले 2 हफ्तों में बाइंग को ट्रिगर किया है। इस तरह की भी खबरें रही हैं कि सरकार जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको नहीं रिड्यूस करेगी करंट सीजन के लिए। जो एक्सपेक्टेशंस हैं सप्लाई क्रंच को लेकर वो शायद ज़्यादा रह सकता है, जिसकी वजह से शुगर प्राइसेस जो हैं वो और सर्ज हो सकते हैं। और ऑलरेडी ये स्टॉक्स काफ़ी चले भी हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि वो कौन सा स्टॉक हो सकता है जिसको देखा जा सकता है इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से, जहाँ पर फाइनेंशियल टर्म्स में भी ग्रोथ आती हुई दिख सकती है और वैल्यूएशंस भी अच्छी लग रही हों? जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें कि ये जो र्यूमर्स या न्यूज़ की बात को छोड़ देते हैं कि वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग होगी नहीं होगी या फिर इंपोर्ट ड्यूटी का क्या होगा, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डिमांड सप्लाई, बिकॉज ये कमोडिटी है, सीधा सीधा पता है कि कितना डिमांड है और कितना सप्लाई होने वाला है। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में अनसीजनल रेनफॉल की वजह से और जो क्रॉप ख़राब हुआ है इनका उसकी वजह से काफ़ी मेजर लगभग 25% महाराष्ट्र का क्रॉप जो है वो ख़राब हो गया, तो प्रोडक्शन कम हुआ है और उसकी वजह से जो सप्लाई शॉर्टेज होगी, जिसकी वजह से हमें लगता है कि शुगर के प्राइसेस पिछले 15 दिन में 2-2.5 रुपये किलो बढ़े हैं और हो सकता है कि अगले आने वाले 2 महीने में और भी बढ़े। तो हमारा मानना है कि ये शुगर स्टॉक्स एक नई रैली की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर अगले कुछ 3-4 महीने और अच्छे रहने वाले हैं, तो आपको ये स्टॉक्स में एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये पिछले दो तीन दिन में लगातार चले थे तो शायद आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग है, बट इस तरीके की वॉलेटिलिटी तो देखने को मिलेगी। हमारा व्यू है कि आपको द्वारिकेय शुगर, बलरामपुर चीनी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये 3 स्टॉक्स को हम देखते हैं। हमें लगता है कि इन तीनों स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम बाकी है और आपको यहाँ से भी 15-20% रिटर्न आराम से मिल सकते हैं। आशु, फार्मा पैक में क्या करना चाहिए? आज उतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स तो नहीं मिले, लेकिन ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स, यहाँ पर कुछ पुल बैक ट्रेड्स विजिबल हैं आज, बहुत स्कैटर्ड बाइंग है, छोटे मझोले स्टॉक्स में ज़्यादा खरीदारी, जैसे कि विविमिड लैब्स इस स्टॉक में खरीदारी है। ओवरऑल पूरा फार्मा पैक में कोई स्टॉक चूज करना चाहेंगे अभी आप? सिर्फ आजकल जो रेगुलेटरी हैंडओवर है वो इतना ज़्यादा है इन स्टॉक्स में और जिस तरह की पिटाई हो जाती है, आई थिंक उसके चलते मुझे लगता है कि अभी भी अगर पार्टिसिपेट करते हैं, देखिए इंडेक्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। आई मीन सो राइट नाउ एज आई सेड दैट सेफर ट्रेड एंड मोर प्रूडेंट ट्रेड टू बी विद द इंडेक्स देन विद द रिस्पेक्टिव स्टॉक। मिस्टर कोहली, संक्षेप में रखिएगा, फार्मा सेक्टर को आप भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं और पिछले कुछ हफ्तों में USFDA और फॉर्म 483 ने काफी वे किया इस पूरे ही सेक्टर पर, लेकिन कौन सी वो सिलेक्टिव कंपनियां हैं जहां पर आपको कंसर्न्स USFDA की ओर से कम लग रहे हैं और ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा लग रहे हैं?
जी हाँ, बड़े स्टॉक में अगर हम बात करें तो लुपिन हमें सबसे ज़्यादा पसंद है और वहाँ पर रेगुलेटरी कंसर्न भी लोएस्ट हैं, और अरविंदो फार्मा बड़े स्टॉक्स में पसंद है। फिर अगर हम छोटे स्टॉक्स में बात करेंगे तो जेबी केमिकल्स हमें पसंद है। बाकी ज़्यादातर स्टॉक्स में ये तो नॉर्मल रूटीन रहेगा, अभी यूएस एफडीए का इश्यूज़ जो हैं तो वो तो हर कंपनी का आपको स्पेसिफिक देखना पड़ेगा और वो रिस्क बना भी रहेगा, बट ये तीन कंपनियों में अभी फ़िलहाल की डेट में ये रिलेटिवली रिस्क कम है। चलिए, बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच आज है, और एक दिलीप बिल्डकॉन ये स्टॉक भी इनफैक्ट आज कहीं ना कहीं एक्टिव होता हुआ नजर आया, इंफ्रास्ट्रक्चर काउंटर्स पे तेजी बनती हुई नजर आई। 1% के आसपास की जो बढ़त है वो निफ्टी पे देखने को मिल रही है, 1% का गेन और दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब जो है यहाँ पर काम काज कर रहे हैं। लीडरशिप पोजिशन ऑब्वियसली आज बैंकिंग और मेटल पर बनती हुई नजर आई। 8375 के लेवल पर निफ्टी और सेंसेक्स 27121 के लेवल पर 0.1% के आसपास की तेजी। मिड कैप इंडेक्स में 1% की तेजी, 165 पॉइंट्स के गेंस दिखाई दी, और स्मॉल कैप में 113 पॉइंट्स के गेन, यानी कि 1% की तेजी यहां पर। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडियन मार्केट्स आए, लेकिन जो तेजी पकड़ी जिनमें काउंटर स्पेसिफिक मूव था उसमें एस्कॉर्ट शामिल था, 6% की तेजी यहां पर। हिंडाल्को नाल्को दोनों स्टॉक्स में तेजी, इंडसइंड बैंक कल नतीजे और आज 6% चढ़ गया और सेंटीमेंट ही पॉजिटिव कर गया पूरे बैंकिंग स्टॉक्स का। इसके अलावा बीईएमएल लगातार चढ़ता हुआ स्टॉक है, 4% आज रिटर्न्स डिलीवर किए। सुप्रीम इंफ्रा, एमएसपी स्टील, एल्कली मेटल्स, उषा मार्टिन और जय भारत मारुति जैसे स्टॉक्स में तगड़े रिटर्न मिले। जय भारत मारुति 15% उछला आज के सत्र में। हाईटेक प्लस, वीजा स्टील, सनफ्लैग आयरन, दिलीप बिल्डकॉन, आईएफजीएल, रीफैक्टरीज। वीजा स्टील, सनफ्लैग आयरन जैसी जो छोटी कंपनियां थी, छोटी मझौले स्टॉक्स, वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर हुए हैं 11% के आसपास के। कल्याणी स्टील, उत्तम गलवा, भूषण स्टील, वीजा, साथ साथ टाटा स्टील जो स्टॉक्स थे वो आज फोकस में थे, क्लियर कट बाइंग इन स्टॉक्स पर देखने को मिल रही थी। और सेल, एमएसपी स्टील, उषा मार्टिन, सनफ्लैग आयरन, पेनारेंडा स्टील। बाजार जैसे ही खुला था वैसे ही समझ में आ रहा था कि स्टील सेक्टर आज काफी बड़ी थीम मार्केट्स की साबित होगी। बैंकिंग स्टॉक्स दूसरा सेगमेंट जहां पर तेजी बनी, धनलक्ष्मी बैंक देखिए 5% ऊपर, इंडसइंड बैंक में तेजी बनी, ओबीसी, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स थे वो 3-5% तेज हुए। कोई बैंक स्टॉक ऐसा नहीं है आज जहां पर गिरावट देखने को मिली हो। बड़े स्टॉक्स में, मेटल स्टॉक्स में नाल्को, हिंडाल्को, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता, इन सब में मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग था। हिंडाल्को 6% ऊपर निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्गली बढ़ा आज। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में रेपको होम, दीवान हाउसिंग, इंडिया बुल्स हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग और जीआईसी हाउसिंग पे बेट लगी, जिसमें रेपको होम 5.5% सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक हाउसिंग फाइनेंस कैटेगरी में आज साबित हुआ। चीनी शेयर्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली आज, सिंभौली शुगर, उत्तम शुगर, अवध शुगर, साथ साथ शक्ति शुगर और इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग, सब स्टॉक्स में मुनाफा वसूली थी और 4% के आसपास की गिरावट उत्तम शुगर और सिंभौली शुगर पे देखने को मिली। तो कल के विनर्स आज लूजर्स में कन्वर्ट हुए। कैपिटल गुड्स में ये जो मार्केट्स में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में मिड कैप जो स्टॉक्स हैं, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड स्टॉक्स, वहां पर खरीदारी बढ़ रही है। थर्मैक्स, बीईएमएल, वीगार्ड जैसे जो स्टॉक्स हैं वहां पर निचले स्तरों से पुल बैक ट्रेड बन रहे हैं, और एलएनटी में आज 1.5% की तेजी है, 1400 के लेवल के ऊपर क्लोज होने जा रहा है। निफ्टी 1% बढ़ा आज, 83.73 की क्लोजिंग है, और ये क्लोजिंग इसलिए मजबूत क्योंकि बाजार बेट लगा रहा था कि 73.40 का लेवल अगर क्रॉस होगा तो उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स मिल सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट हर्डल पार हुआ है। और आज खरीदारी पार्टिसिपेशन जो सेक्टर नहीं चल रहा था जैसे कि बैंक और मेटल, वहां से आती हुई नजर आई है। तो कन्विंसिंग क्लोजिंग कह सकते हैं आज की मार्केट्स की जो डेवलप हुई। ऑटो इंडेक्स 0.1% के आसपास की तेजी, निफ्टी बैंक 2% की तेजी, आईटी स्टॉक्स पिछड़ गए। कल दिन खास है क्योंकि टीसीएस की अर्निंग्स आने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर, निफ्टी इंफ्रा 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। फार्मा स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा स्टॉक जैसे कि सनफार्मा, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स तेज होते हुए नजर आए, लेकिन आज टर्नओवर भी ठीक है और बैंकिंग का पार्टिसिपेशन ठीक। निफ्टी बैंक में ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, सभी स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए, तो कहीं ना कहीं तेजी जो है वो इस समय बाजार पे क्लियर कट देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कल की ओपनिंग कैसी होती है, लेकिन मार्केट यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ सकते हैं। इस क्लोजिंग पे आपकी राय ब्रजेश, कैसी लग रही है क्लोजिंग? मुझे लगता है कि जी 2-3 दिन और ये रैली चलेगी, एक बार अगर 8420-8440 तक मुझे लगता है कि ये रैली चलेगी, वहाँ पर एक थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल ट्रेंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म मेरे हिसाब से तो अपवर्ड ही है। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो 8270-8280 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे में और अगर हम डीपर सपोर्ट की बात करते हैं तो 8190, ये 2 लेवल नीचे के स्तर में हैं कि जो ब्रेक नहीं करने चाहिए मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए। और इमीडिएट बेसिस पे जैसे मैंने आपको कहा 8440 के आसपास का एक दायरा है, एक रेजिस्टेंस है, वो एक बार अगर हम क्रॉस अगर करते हैं तो ये रैली आपको आने वाले दिनों में एक बार 8650 तक भी जा सकती है। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेके चलनी चाहिए।
आशु, एक छोटा कमेंट आपका इंडेक्स पर, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे थे कि स्टॉक से ज्यादा इंडेक्स पर अभी कुछ सेशंस के लिए ध्यान दे सकते हैं। निफ्टी पर आपके टारगेट्स क्या हैं? आप मेरा टारगेट 85 to 8600 है इस एक्सपायरी का, और मुझे लगता है कि अभी भी एक पॉजिटिव सरप्राइज कर सकता है इंडेक्स पर भी, तो आई थिंक बिल्कुल आपको इन द मनी ऑप्शंस लेके ट्रेड करना चाहिए, और या फिर बुल स्प्रेड बना लेना चाहिए कि 8300 की कॉल लेके 8500 की बेच देनी चाहिए कुछ कॉस्टिंग कम करने के लिए, और राइड करना चाहिए पूरी मूव को। चलिए, शुक्रिया आशु। अनुज, आपका भी, ब्रजेश और मिस्टर कोहली शामिल होने के लिए अंतिमबाजी में, और सभी स्टॉक्स पर सेक्टर्स पर अपने व्यू शेयर करने के लिए। लेकिन आज एक और इंटरेस्टिंग खबर थी रजत, कि अब आपका सिबिल स्कोर तय करेगा कि आपके होम लोन की ईएमआई कितनी होगी। इंटरेस्टिंग है लेकिन ये सच है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये स्कीम जो है, या फिर कहें कि ये इनिशिएटिव की शुरुआत की है। थोड़ा अनोखा इनिशिएटिव है लेकिन इंटरेस्टिंग है। अब शायद एक दबाव रहेगा कंज्यूमर्स पर कि वो अपना सिबिल स्कोर अच्छा मेंटेन रखें, क्योंकि एक तो लोन लेने में आपको आसानी तो डेफिनेटली होती है अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आपका अच्छा सिबिल स्कोर होगा तो आपके लोन की दर भी कम हो सकती है। 760 का स्कोर अगर उससे ऊपर है तो ऑब्वियसली लोन दर है वो 8.35%, 725 से 759 8.85%, 724 से नीचे 9.35%, और नए कस्टमर्स के लिए 8.85%। लेकिन ऑब्वियसली बहुत बढ़िया पहल है, मैं तो कहूँगा ये जो सिबिल स्कोर से कनेक्ट करने की लोन की दरों को, क्योंकि एडवांटेज नहीं मिलता है अगर आप समय पर अपनी ईएमआई चुकाते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड कि जो पूरी लिमिट है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उससे कम आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, तो किसी ग्राहक को कोई एडवांटेज मिलता नहीं था। अब जो ये पहल की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ये बहुत बड़ी पहल हो सकती है इनफैक्ट, और लोन दरों का कनेक्ट होना क्रेडिट स्कोर से अच्छी खबर है इस समय मार्केट के पास। बिल्कुल, और अब एक डिसिप्लिन जो है वो जरूर आएगा कंज्यूमर्स के, कस्टमर्स के बीच में, स्पेशली अपने लोन रीपेमेंट्स को लेकर, क्योंकि अब सवाल भाई ईएमआई का है, क्योंकि अगर आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा तो आपको कम ईएमआई चुकानी होगी। फिलहाल अंतिम बाजी में इतना ही। नमस्कार।